नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुचि गुप्ता। पीएमसी हिंदी के खास शो शुभोदय ध्यान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ध्यान के जरिए अपने आप से जुड़ेंगे। अक्सर होता क्या है कि हमारे मन में इतनी सारी कल्पनाएं और विचार एक साथ चलते रहते हैं कि जिससे हमारे अंदर एक कोलाहल सा मचा रहता है, और इसी के चलते हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या है हमारे जीवन का उद्देश्य। तो आज हम ध्यान के जरिए अपने आप को जानेंगे। कहते हैं कि जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जाता है, हम अपने आप को और भी बेहतर तरीके से जान पाते हैं। तो आइए चलते हैं हम ध्यान की उस अनोखी दुनिया में, सोच विचारों पर विराम लगाते हुए आज हम अपने आप को जानेंगे। तो दोस्तों, सभी बिल्कुल सुखासन में बैठ जाइए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, हाथों और पैरों को क्रॉस कर लीजिए और आँखों को बिल्कुल कोमलता से बंद कर लीजिए। अगर किसी ने चश्मा लगाया है तो चश्मा हटा लीजिए, क्योंकि ध्यान में चश्मे का कोई काम नहीं है। और सिर्फ हमें अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस करना है। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, केवल अपने भीतर की दुनिया में आज हम प्रवेश करेंगे। कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, केवल हम और हमारी सांसें। बहुत सुंदर है हमारे भीतर की दुनिया, जहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार है और शांति ही शांति है। बाहर की दुनिया से अपने आप को दूर कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, भूल जाइए सब कुछ। सिर्फ अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइए। सहज और स्वाभाविक सांसें, आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस करें। अपनी सांसों की ऊर्जा को महसूस करें, क्योंकि सिर्फ एक ध्यान ही ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने आप से जुड़ सकते हैं, अपने आप को और बेहतर पहचान सकते हैं। और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। और ध्यान सिर्फ सांसों के माध्यम से ही संभव है, और सांसें बहुत हैं हमारे पास। कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। हमारी सांस ही हमारा प्रथम गुरु है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा हमारे साथ बनी रहती है, इसलिए हमें भी अपना कुछ समय अपनी सांसों के साथ अवश्य बिताना चाहिए।
हर एक अंदर आती हुई सांस के साथ एक शांति का अनुभव कीजिए और हर बाहर जाती हुई सांस के साथ महसूस कीजिए कि जैसे सारा तनाव बाहर जा रहा है। और शरीर एकदम रिलैक्स होता जा रहा है। हर समय हमारे मन में न जाने कितने विचार चलते ही रहते हैं, अतीत के, भविष्य के, जिसकी वजह से हम यह जान ही नहीं पाते कि हम कौन हैं। इन्हीं विचारों पर रोक लगाने का सिर्फ एक ही उपाय है और वो है ध्यान। एक हो जाएं अपनी आती हुई और जाती हुई सांस के साथ। ध्यान के लिए हमें हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ध्यान अपने घर और परिवार के बीच रहकर ही किया जा सकता है। इसी को कहते हैं संसार में निर्वाण। अपने जीवन की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भी हम ध्यान का आनंद उठा सकते हैं।
ध्यान एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम और ज़्यादा जागरूकता के साथ काम करने लगते हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सिर्फ अपनी आती हुई और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाएं। जैसे ही मन में कोई विचार उठे, वापस अपनी सांसों पर आ जाएं। जैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक अच्छा भोजन करते हैं, उसी तरह अपनी आत्मा को भी स्वस्थ रखने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान करने से ही हमारी आत्मा की उन्नति होती है। एक ध्यानी को मृत्यु के बाद उच्च लोकों में स्थान मिलता है।
ये जीवन बहुत सुंदर है दोस्तों, लेकिन ध्यान के माध्यम से हम इसे और भी सुंदर बना सकते हैं। लगातार महसूस करते रहें अपनी सांसों की ऊर्जा को। इन्हीं सांसों की वजह से ही हम इस धरती पर हैं। सांस नहीं तो कुछ भी नहीं। जब हम अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ एक हो जाते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे निर्विचार होने लगता है, और इसी अवस्था में हम भरपूर मात्रा में विश्व ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, जिससे हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध हो जाता है और हमारी सारी शारीरिक समस्याएं दूर होने लगती हैं।
ध्यान से हम अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। बने रहें अपनी स्वाभाविक सांसों के साथ। महसूस करते रहें अपनी सांसों की ऊर्जा। अपने आप को बेहतर तरीके से जानने का सिर्फ एक ही माध्यम है और वो है ध्यान। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम अपने अंदर की दुनिया में प्रवेश करते हैं। ध्यान में हम अपनी पूर्ण आत्मा से जुड़ जाते हैं। We all are gods, हम सब भगवान हैं। हम सबको अपने भीतर छिपी उस दिव्यता को पहचानना है और यह भी सिर्फ ध्यान के माध्यम से ही संभव है।
पत्री जी कहते हैं, सांस को अपनाएं और ध्यानी बन जाएं। एक ध्यानी ही है जो अपने जीवन को सही ढंग से जी पाता है। ध्यान करने से हमें जीवन जीने की कला आ जाती है। जब हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, तो हमारे अंदर उनका सामना करने की शक्ति आ जाती है। एक ध्यानी को यह समझ आती है कि हमें उन परिस्थितियों का सामना कैसे करना है। इसलिए सांसों को अपनाएं और ध्यानी बन जाएं। अपनी ही सांसों से दोस्ती कर लें, अपनी ही सांसों से मस्ती कर लें। हर एक सांस के साथ हम और भी गहरे ध्यान में डूबते जा रहे हैं।
अपनी स्वाभाविक आती हुई और जाती हुई सांस के साथ बने रहें दोस्तों। आखिरी 10 मिनट बहुत सुंदर ध्यान हम सब मिलकर कर रहे हैं।
अब हम धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को महसूस करना शुरू करेंगे और ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। अपने हाथों पैरों को महसूस करना शुरू कीजिए और सभी एस्ट्रल मास्टर्स का धन्यवाद करते हुए जिन्होंने हमारे साथ हमारी ध्यान की ऊर्जा को बढ़ाया। हम अपने हाथों को खोलते हुए 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। अब अपनी आँखों को अपनी हथेलियों में ही खोलते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे और अपने चेहरे को प्यार से सहलाते हुए अपने आप के लिए हम तालियां बजाएंगे और 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस ध्यान में जुड़ने के लिए। नमस्कार।